मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और न्यूक्लिक एसिड में हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में देखा और उनके साथ साथ हमने डिस्कशन किया न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, जबकि जैविक कार्य क्या क्या थे कि ये एक तो अपनी प्रतिकृति बनाता है, तो स्वयं प्रतिकृतिकरण, इसके अंदर स्वयं प्रतिकरण का कार्य इनका होता है। ये अपने समान दो पुत्री स्ट्रैंड बनाता है, दो पुत्री क्षारों के स्ट्रैंड बनाता है, और जैसे कि संतति में जो गुण होते हैं पैतृक गुण, उस तरीके से। और इसके बाद इनका दूसरा कार्य था प्रोटीन संश्लेषण का, इसमें ये अनुवादन और अनुलेखन के द्वारा, पहले अनुलेखन होता है डीएनए से आरएनए में और फिर आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है अनुवादन के द्वारा, इसमें एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए भाग लेते हैं। और लास्ट में था इनका लास्ट कार्य था उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है उत्परिवर्तन में कि जब हम प्यूरिन्स और पाइरिडिन्स जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनके क्रम में परिवर्तन कर देते हैं तो उससे एक जैव विकास की तरह पीढ़ियों दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता, तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो ये तीन प्रमुख कार्य थे न्यूक्लिक अम्ल के। अब हम आज की क्लास में डीएनए की द्विकुंडली संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के अंदर दो साइंटिस्ट थे वाटसन और क्रिक। कौन-कौन थे? वाटसन और क्रिक। इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत की। तो देखिए डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत की गई। अब देखिए इस संरचना कैसे होती है द्विकुंडलीय, इस तरीके से बनाएंगे कि दूसरा वाला इस तरीके से, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसमें ग्वानिन साइटोसिन से, एडिनिन थायमिन से जुड़ा रहता है, एडिनिन थायमिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए ट्रिपल बॉन्ड टी, इस तरीके से एडिनिन थायमिन से थायमिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है, द्विकुंडलीय संरचना पाई जाती है इस तरीके से। दो स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में कुंडलीय रूप में दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखिए डीएनए अणु दो स्ट्रैंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रज्जुक भी कहते हैं। देखो डीएनए अणु दो स्ट्रैंड या रज्जुकों का बना होता है,
जो सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होती है, जो सर्पिलाकार क्रम में, देखो सर्पिलाकार क्रम में क्या है, कुंडलित है, कुंडलित होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड क्या है, प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। प्रत्येक स्ट्रैंड क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। देखो दोनों श्रृंखलाएं के भीतर, दोनों श्रृंखलाओं के भीतर चार समूह परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, चार समूह परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए वैलेंस साइटोसिन से और एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं दोनों चार समूह। तो देखो चार समूह परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए देखो शर्करा अणु सुगर, शर्करा अणु फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर शर्करा अणु फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर श्रृंखला का मेरुदंड बनाते हैं, मेरुदंड बनाते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस है वो होती है 20 अंगस्ट्रॉम, दो कुंडलियों के 20 अंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो डीएनए में एडेनिन हमेशा थायमिन से, डीएनए में एडेनिन हमेशा थायमिन से तथा एडेनिन हमेशा थायमिन से तथा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा रहता है, एडेनिन हमेशा थायमिन से तथा साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, देखो डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं के बीच, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच 20 अंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से 20 अंगस्ट्रॉम की दूरी पर होती है। ठीक है, और लिखो आगे के दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। श्रृंखलाओं के बाद 20 अंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए का व्हाट्सएप क्लिक मॉडल। देखो आरएनए की संरचना भी
आरएनए की संरचना भी डीएनए के समान होती है, डीएनए के समान होती है, लेकिन लेकिन आरएनए अणु राइबोस सुगर।
तो लिखिए दूसरा डिफरेंस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, तो आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, आरएनए कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। तीसरा डिफरेंस देखिए, इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं, यानी इसमें ऐड चार कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। इसमें नाइट्रोजन चार, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। इसमें थायमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, बस बाकी सारे सेम होते हैं, याद रखना एटीपी। तो देखो डीएनए में कार्बनिक क्षार, डीएनए में कार्बनिक क्षार एडेनिन, थायमिन, डीएनए में कार्बनिक क्षार एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन पाए जाते हैं, और देखिए और डिफरेंस देखते हैं। डीएनए में द्विकुंडली संरचना होती है, इसमें एक सूत्री संरचना होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी संरचना, द्विकुंडली हेलिक्स संरचना होती है, और इनकी एक सूत्री संरचना होती है, एक सूत्री कुंडली संरचना, यानी कि दो स्टैंड होते हैं इसके, तो सर्कुलर रूप में पैदा भी वार्षिक दी गुण, इसमें सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होती है। दूसरा देखो अगला डिफरेंस, अगला है तो इनका कार्य है आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। इनका कार्य क्या है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, और इनका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। इनका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। तो इनका कार्य है क्रोमोसोम सूत्र होते हैं और उनमें डीएनए होता है, तो वो काम क्या करता है, आनुवांशिक
आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। जब इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगला कार्य देखिए, इनमें क्या पाया जाता है, स्वयं प्रतिकरण रेप्लिकेशन पाया जाता है, ठीक है। और ये अपने सामान की प्रतिकृति नहीं बनाता है, तो इनमें रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है। तो देखिए डीएनए स्वयं द्विगुणन कर सकता है, डीएनए स्वयं द्विगुणन कर सकता है, जबकि आरएनए में द्विगुणन अनुपस्थित होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, द्विगुणन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। और इसी के साथ ही ये यूनिट आपकी यहां पर खत्म होती है। लगभग दो सवाल आपको अथवा भी मैंने करवा दिया है, तो यहाँ अथवा भी आपको मिल सकता है, नहीं तो एक सवाल तो पूरा का पूरा आपसे मिल जाएगा, लेकिन इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबी यूनिट है, ठीक है। और अब हम इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। तीन यूनिट हमारी अब तक खत्म हो चुकी है, अब हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो है बहुपद पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स के साथ साथ हम डाइस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद हमारा अंतिम यूनिट रहेगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले आपको आना चाहिए अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, सभी नंबर वन क्वेश्चन, अमीनो अम्लों की संरचना, सारे अमीनो अम्लों की संरचना आपको आनी चाहिए, जो जितने भी हमने बताए हैं एक तरीके से उनका वर्गीकरण कि अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, ये सभी हमको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है मत्स्य इंडस्ट्री के द्वारा। तो अमीनो अम्लों की संरचना और इनका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्लों की संश्लेषण विधि, अमीनो अम्लों की संश्लेषण की विधियां, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कुछ रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेगल टैलिमाइड संश्लेषण,
ग्रेविल, हेलेमाइट, सनसलिश, सेकेंड पे है स्ट्रैकर, सनसलिश, उसके बाद वो रिएक्शन और है, थर्ड पे है कार्टियस अभिक्रिया, और लास्ट में डायराक्स की संश्लेषण। ये इनमें से आपको डेफिनेटली 7 या 5 नंबर का सवाल इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आपको डेफिनेटली यहां से देखने हैं। इसके बाद देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स, टॉपिक्स पर लिखवाएगा आपसे एग्जाम के अंदर। पहला है ज्यूपिटर आयन, इस पर ज्यूपिटर आयन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताएं। दूसरा है सम विभव बिंदु, कौन सा सम विभव बिंदु। ठीक है, और देखिए इसके अलावा अमीनो अम्ल को जब हम गर्म करते हैं यानी कि इनके ऊपर उष्मा का प्रभाव, तो थर्ड में अल्फा, बीटा, गामा अमीनो अम्लों पर उष्मा का प्रभाव, ये भी सवाल कई बार यूनिवर्सिटी ने पूछा है, तो इसको भी आप देख के जाएंगे। तो ज्यूट्राइन समझो बिंदु और अल्फा बीटा गामा अमीनो अम्लों पर ऊष्मा का प्रभाव, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये तो आपके अमीनो अम्लों के क्वेश्चंस हो गए, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी आप देख के जाएंगे। प्रोटीन में आप देखेंगे इनका वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है।
और प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक और द्वितीयक प्रोटीन की संरचना और इनका वर्गीकरण। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, प्रोटीन वर्गीकरण एवं इनकी संरचना। इतना ही सवाल बनता है। और फर्स्ट पार्ट में तो, सेकंड पार्ट में आ जाएगा प्रोटीन की टेस्ट, प्रोटीन के टेस्ट, डिनहाइड्रिन टेस्ट है, जैंथोप्रोटिक टेस्ट है, ठीक है, मिलर टेस्ट है, प्रोटीन के टेस्ट और प्रोटीन के वर्गीकरण एवं उनकी संरचना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल के अंदर नाइट्रोजन क्षार की संरचना कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन क्षार और फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके बाद डीएनए की संरचना, किसकी, डीएनए की संरचना। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। यूरिक सब प्रोविडेंस होते हैं, हाइड्रोजन चार की संरचना क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल्स की संरचना क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होगी, डीएनए की संरचना क्या होगी। तो ऐसे हम इस यूनिट को पूरा करेंगे, ठीक है। आपकी यूनिट आज यहाँ पर समाप्त होती है। 3 यूनिट हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब चौथी यूनिट, सेकंड लास्ट यूनिट हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स और रंजक, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।